ओके नाउ वी विल स्टार्ट टू स्टडी अबाउट डायवर्सिटी इन इंडिया सो लेटेस्ट स्टडी अबाउट आवर इंडिया डाइवर्सिटी इन इंडिया इंडिया से कंट्री ऑफ मैनी डायवर्सिटीज वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज है वेरियस वेरियस टाइप्स ऑफ फूड सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स देखो इंडिया में क्या है बहुत सी डाइवर्सिटीज़ हैं डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स आइटम्स हैं ठीक है In India and celebrated different festivals, practiced different religions. But actually, if you think about it, we do many things that are similar, except what we do them in different ways. अगर actually हम बात करें तो हमारे इतनी diversities होने के बावजूद भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे में same हैं, ठीक है? लेकिन जो और बात है कि in वो जो काम है करने के मेथड अलग हो सकते हैं तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन इनके बावजूद ऑल आर इक्वल इन इंडिया चलो हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी अब डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे जो डाइवर्सिटी होती क्या है कैसे आती है टू हंड्रेड ईयर्स अगो अगर हम दो सौ साल पहले की बात करें तो उस समय क्या था कि जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे इतने ज़्यादा डिवेलप नहीं थे जी ट्रेन एरोप्लेन्स बस कार सब कुछ नहीं था लोग कैसे ट्रैवल करते थे बाई शिप ऑन हॉर्सेस ऑन कैमल्स ऑन फुट एक प्लेस से दूसरे प्लेस वो ट्रैवल करते थे लेकिन क्या है जब वो पहले जब जो लोग ट्रैवल करते थे तो एक जब किसी नई प्लेस पे जाते थे तो न्यू प्लेसेस टू सेटल इन तो कई बार क्या था उसको नई प्लेस में जाके उनको सेटल होना पड़ता था तो समाइम पर्पज़ क्या हो सकता है एक एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने का मेन पर्पज़ स्टेट भी हो सकता है तो कई बार क्या था कि बहुत लंबी ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी तो किसके लिए बहुत समा लग जाता था इस ट्रैवलिंग के लिए क्योंकि मॉडर्न मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे ओल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे तो लंबी ट्रैवलिंग होती थी तो उससे क्या था कि एक रस्ते में बहुत जगह पे लोगों को ठहरना पड़ता था लंबे समय के लिए स्टे करना पड़ता था जब वो लोग लंबे समय के लिए स्टे करते थे तो क्या होता था तो क्या होता था उस वक्त समाइम्स एज दे बिगेन टू मेक देर होम्स इन न्यू प्लेसेस तो उस वक्त क्या था वो कई बार वो न्यू प्लेसेस पे अपने घर बना लेते थे तो पीपल बिगेन टू तो चेंज लिटल एंड एट अदर टाइम्स दे मैनेज टू तो डू थिंग्स इन द ओल्ड वेज तो क्या करते थे लोग ओल्ड वे से ही अपने आप को मैनेज करना शुरू कर देते थे जिस एरिया में वो लोग रहते थे उस जो एरिया का जो लैंग्वेज था जो फूड आइटम्स थी जो रिलीजन्स था वो उन लोगों के कल्चर में मिक्स होने लगता था तो इस तरह से एक नया कल्चर जो था वो बन जाता था तो इस तरह से जब दो कल्चर आपस में मिक्स होते हैं तो एक नया कल्चर बन जाता है जी क्या है डायवर्सिटी जी क्या है डाइवर्सिटी अब बात करते हैं डाइवर्सिटी आल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडॉप्ट देयर लाइव्स टू द जोग्राफिकल एरिया अब डाइवर्सिटी आती कब है जब एक जब कुछ लोग जिस एरिया में रहते हैं जिस जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं जब उनका लाइफ स्टाइल अडोप्ट करने लगते हैं तो एक जो नया लाइफ स्टाइल है वो बन जाता है जैसे जो लोग सी के पास रहते हैं उनका लाइफ स्टाइल डिफरेंट होता है और जो लोग माउंटेनियस एरिया के पास रहते हैं उनका लाइफ स्टाइल डिफरेंट होता है चलो बात करते हैं कि हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल फैक्टर्स कैसे इफ़ेक्ट करते हैं किसी किसी भी कंट्री की डाइवर्सिटी को वो कैसे इफ़ेक्ट करते हैं इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे